Hello everyone and welcome back to our channel. Today in this session we will discuss about the chapter number 9 of class 6, that is body movement. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier one. तो पिछले सेशन में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया था. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि स्केलेटन होती क्या है. तो हमारे पूरे शरीर में जो हड्डियों का एक फ्रेमवर्क है, यानी कि जो हड्डियों का ढांचा है, उसी को हम स्केलेटन बोलते हैं. किसी भी एडल्ट ह्यूमन इंसान के अंदर नॉर्मली 206 हड्डियाँ होती हैं. और अब अगर हमें हड्डियों का जो शेप है या फिर अगर नंबर जानना हो तो हम क्या करेंगे. जो सबसे बेसिक चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो है कि हम हमारे शरीर के कुछ हिस्सों को फील करके देखें, उनसे हमें आइडिया हो सकता है. या फिर जो दूसरा साइंटिफिक चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं वो है एक्सरे इमेजेस, यानी कि जो एक्सरे है हम उसका यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी हड्डियां हैं. और मोस्ट स्पेसिफिकली एक्सरे ये चेक करने के लिए किया जाता है कि कहीं हमारे हड्डियों के अंदर कोई फ्रैक्चर तो या फिर इंजरी तो नहीं है. अब ये जो एक्सरे है, ये फिनोमेना दिया किसने था? तो ये दिया था विलहम कॉनराड रोंटिगन ने 1859 के अंदर. अब ये जो एक्सरेज होती हैं, ये बेसिकली हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर से तो पास हो जाती हैं, लेकिन ये हमारी बोन्स के थ्रू पास नहीं हो सकती हैं. इसीलिए हमें हमारी जो बोन्स हैं उनकी इमेजेस काफ़ी क्लियर दिखाई देती हैं. और इन्हीं इमेजेस से हम पता लगा सकते हैं कि कहीं हमें या फिर हमारे शरीर के किसी हिस्से के अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम फिगर 9.2 में देख पा रहे हैं, ये एक्सरे फोटोग्राफ्स हैं चेस्ट एरिया की और हाथ के एरिया की. अब हमने जब एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करी थी तो उसमें 206 हड्डियाँ थी, लेकिन अगर हम चाइल्ड की बात करें, यानी कि बच्चे की बात करें, तो उसके शरीर के अंदर लगभग 300 के आसपास हड्डियाँ मौजूद होती हैं. अब ये कैसे हो रहा है कि बचपन में तो हमारे 300 हड्डियाँ थी, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम पे 206 हड्डियाँ रह जाती हैं. तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, यानी कि आपस में मिल जाती हैं. और इनके मिलने की वजह से जो नंबर है वो कम हो जाता है. फिर हमने स्केलेटल के जो फंक्शंस हैं इनके बारे में पढ़ा था. तो कुछ जो मेन फंक्शंस थे उनमें से सबसे पहला था कि जो स्केलेटन है वो हमारे शरीर को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है. वहीं जो दूसरा फंक्शन था स्केलेटन का वो था कि ये हमारे शरीर के जो इंटरनल बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करवाता है, यानी कि हमारे जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं यानी कि नाजुक हैं, उनको प्रोटेक्ट करवाता है. एग्जांपल है कि हमारी जो स्कल है वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करवाती है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करवाती है. वहीं जो रिब्स हैं हमारी वो हमारे हर्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करवाती हैं. वहीं अगर हम बैकबोन की बात करें तो जो बैकबोन है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने में मदद करवाती है. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द स्केलेटन इज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो हमारी स्केलेटन है वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को मूव करवाने में भी मदद करवाती है. इट हेल्प अस
to stand, run, and walk together with the help of muscles. तो ये जो हमारे skeleton है, ये हमें खड़े होने में, भागने में या फिर चलने में मदद करवाती है. और इसके लिए इसको किसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है? मसल्स की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि हमारी जो मसल्स हैं और जो हमारी बोन्स हैं, ये मिलके काम करती हैं. और इन्हीं के इस परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की मदद से हम चल फिर या फिर और भी बॉडी मूवमेंट्स कर पाते हैं. एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द स्केलेटन इज आवर बोन्स आर फिल्ड विद अ सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. अब हमारी जो हड्डियाँ हैं, इनके अंदर एक सॉफ्ट सा सब्सटेंस होता है, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं. द रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर मेड इनसाइड द बोन मैरो. और जो हमारे ब्लड में जो सेल्स होती हैं, हमारे ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? RBCs होती हैं, WBCs होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं. RBCs का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, WBCs के फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स. तो ये जो रेड ब्लड सेल और जो वाइट ब्लड सेल्स बन रही हैं हमारे शरीर के अंदर, ये कहाँ बनती हैं? इसी बोन मैरो से बनती हैं. और ये बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी हड्डियों के अंदर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द पार्ट ऑफ द स्केलेटन. यानी कि अब स्केलेटन के कौन कौन से हिस्से होते हैं मेन, उनके बारे में पढ़ेंगे. द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट: स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम बोन एंड ग्रिडल्स. यानी कि जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, इसके 5 हिस्से होते हैं. जो सबसे पहला हिस्सा है वो है स्कल, दूसरा हिस्सा है वो है बैकबोन, तीसरा है रिब केज, चौथा है लिम बोन और 5वां है ग्रिडल. अब हम इन्हीं 5 हिस्सों को डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो हम सबसे पहले किस पार्ट के बारे में बात करेंगे? वो है हमारा स्कल. द स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर ऑन आर हेड. तो हमारे सिर पे जो हड्डियों से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम स्कल बोलते हैं. इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. और ये जो हमारा स्कल है, ये 22 हड्डियों से मिलके बनता है. आउट ऑफ दीज 8 फ्लैट बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम, व्हिच एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड 14 बोन्स फ्रॉम द शेप ऑफ द फेस. तब हमने ये बोला कि हमारा जो स्कल था वो कितनी हड्डियों से मिलके बना था? 22 हड्डियों से मिलके बना है. अब इन 22 हड्डियों से क्या क्या चीज़ें बनी हैं, हम वो देखते हैं. तो इन 22 में से जो 8 हड्डियाँ हैं, वो मिलके तो क्रेनियम बना लेती हैं. क्रेनियम का दूसरा नाम क्या है? ब्रेन बॉक्स. यानी कि ये 8 हड्डियों से मिला हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ये. अब जो बाकी की 14 हड्डियाँ बची, वो क्या करती हैं? हमारा जो फेस है, यानी हमारा जो चेहरा है, उसको शेप देती हैं. यानी कि यहाँ टोटल स्कल के अंदर 22 हड्डियाँ हुई. 22 में से 8 हड्डियों से तो मिलके बनता है क्रेनियम, और बाकी की 14 हड्डियों से मिलके बनता है हमारा फेस. तो ये जो क्रेनियम है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, इसका काम होता है कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है. वहीं जो बाकी की 14 हड्डियां हैं, ये हमारे फेस को एक शेप प्रोवाइड करवाती हैं. ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड. और
हमारे स्कल के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं ये सारी फिक्स्ड हैं, यानी कि एक जगह पे ही रहती हैं, ये मूव नहीं करती हैं। द लोअर जॉ इज़ द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। तो बाकी सारी तो फिक्स्ड हैं, लेकिन सिर्फ एक हड्डी ऐसी है जो कि मूव कर सकती है, और वो कौन सी है? हमारी लोअर जॉ। इट अनेबल अस टू च्यू फूड एंड स्पीक। और ये जो हमारी लोअर जॉ है, ये हमें खाना चबाने में और इसके साथ साथ बोलने में भी हमारी मदद करवाती है। दिस इज़ आवर लोअर जॉ। और ये जो लोअर जॉ है ये मूव कर सकती है। जब भी हम बोलते हैं तो ये हमारी जो लोअर जॉ है ये मूव करती है, और ये हमें खाना चबाने में और बोलने में मदद करवाती है। नाउ द नेक्स्ट स्केलेटल पार्ट इज द बैकबोन। और ये जो बैकबोन है इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम स्पाइन बोलते हैं, जिसको अगर हिंदी में बात करें तो रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। द बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। यानी कि हमारा जो पूरा स्केलेटन है, यानी कि हड्डियों का ढांचा है, उसके अंदर बैकबोन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल रिंग शेप्ड बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। और ये जो हमारी बैकबोन होती है ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनती है। और अब ये जो 33 छोटी छोटी हड्डियां हैं, तो इस हर एक हड्डी को क्या बोला जाता है? वर्टिब्रा बोला जाता है। यानी कि एक बैकबोन है, इस एक बैकबोन में कितनी हड्डियां मौजूद हैं? 33 हड्डियां मौजूद हैं। और इन हर एक हड्डी को क्या बोला जाता है? वर्टिब्रा इनको बोला जाता है। दीज स्मॉल बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो 33 छोटी छोटी हड्डियां हैं ये आपस में मिलके एक लंबी सा कॉलम बना लेती हैं, और वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे तीन नाम हो गए हमारी रीढ़ की हड्डी के। पहला है हमारा बैकबोन, भी हम उसको बोल सकते हैं। दूसरा नाम है उसका स्पाइन, और तीसरा नाम है इसका वर्टिब्रल कॉलम। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, या फिर जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं, इसका काम होता है कि ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे शरीर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है। द जॉइंट्स वेयर वर्टिब्राज मीट अलाउ स्लाइट मूवमेंट। तो वो जॉइंट्स जहाँ पे ये वर्टिब्रा मिलती हैं, वर्टिब्रा क्या थी? 33 छोटी छोटी हड्डियाँ, और उस हर एक हड्डी को हमने क्या नाम दिया है? वर्टिब्रा। तो जहाँ पे भी ये वर्टिब्रा आपस में मिलती हैं वहाँ से हम थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। दिस अलाउ अस टू बैंड और ट्विस्ट आर बैक एज शोन इन फिगर 9.6। और यहाँ से ये जो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, इसी की मदद से हम जो हम आगे या पीछे की तरफ बैंड होते हैं वो हो सकते हैं, और हमारी जो बैक है उसको भी ट्विस्ट यानी कि मोड़ सकते हैं। तो अब इसी चीज़ को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बैकबोन है, और इसको हम और क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं हम इसको। और ये कितनी छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनी है? 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनी है। और
इस एक हर एक हड्डी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। और ये जो वर्टिब्रा हैं जहाँ पे ये मिलती हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ होता है, और इसी की वजह से हम आगे की तरफ भी झुक पाते हैं, सीधे भी खड़े हो सकते हैं, टेढ़े भी और बैंड भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं, जो जॉइंट हमारे वर्टिब्राज में प्रेजेंट है उनकी मदद से ये हो पाता है।